सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल स्पेक विजन। तो कैसे हैं आप लोग? तो बीसीईसी के जितने भी कैंडिडेट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हालांकि मैं सोच रहा था कि मैं लाइव आके आप लोग के सामने बता दूं जो जो बातें हैं, बट सोचे फिर लाइव आने के बाद फिर सब कोई कनेक्ट नहीं हो पाता है और थोड़ा दिक्कत होती है और मेरा भी लाइव में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने एक वीडियो ही सोचा बना दूं। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत सारी चीज़ें जो कि बीसीईसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो सब क्या क्या चीज़ें हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होंगी, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेकिन बीसी से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट हम ही लोग देते हैं। और अभी काउंसलिंग आप लोग का होने जा रहा है, काउंसलिंग में कैसे क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करना, तो एवरी डिटेल आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगा। सो इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लेट ना करें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, कब आएगा सीट मैट्रिक्स? आप लोग को मालूम होगा कि मैं बताता हूँ, धीरे धीरे मैं सब चीज़ बताता हूँ। पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए, आखिर कब आएगा सीट मैट्रिक्स। दूसरा, हमारा काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, काउंसलिंग पोर्टल कब से ओपन होगा, और क्या काउंसलिंग में भी लेट होगा, काउंसलिंग में भी लेट होगा, ये भी हमारा क्वेश्चन है। और बीसीसी 2021 में कितने सीटों पर एडमिशन होगा, इन क्वेश्चन को हम लोग डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा दूं कि बीसीसी बोर्ड ने एक नोटिस निकाला था, यहां बीसीसी बोर्ड ने एक नोटिस निकाला था जिसमें डिटेल्ड बताया गया था आपका काउंसलिंग रिलेटेड बीसीसी का। तो इस नोटिस में क्या बताया गया था, इसमें डेट आपको दिया गया था 15 तारीख को आपको सीट मैट्रिक्स पोस्ट होना है वेबसाइट पे, जो कि 15 तारीख को दिन भर हम लोग इंतजार करते रह गए, नहीं आया। पूरा दिन लगातार मुझे मैसेज आ रहे थे, कॉल आया था कि कब आएगा सीट मैट्रिक्स, क्योंकि देखिए आप लोग का बीसीसी का बहुत पहले रिजल्ट आया था और अभी कितना दिन हो गया आप ही लोग देखिए। और बहुत ही बेसब्री से लोगों के स्टूडेंट के मन में इंतजार, और रहना भी चाहिए। अगर एक महीना डेढ़ महीना आपको ऐसे ही बैठा दिया जाए रिजल्ट हाथ में दे के, आपके मन में कन्फ्यूजन रहेंगे कि आपका एडमिशन होगा नहीं होगा, बहुत सारी बातें मन में घूमते रहेंगे। बहुत सारे जिसका लो रैंक है वो तो सोचते ही रह जाएंगे, वो ना ही कुछ आगे परस्यू कर पाएंगे ना ही कुछ पीछे, मतलब होता है ना। तो इसीलिए इन सभी को चीज़ लोग को लेकर स्टूडेंट बहुत सारे चिंतित थे कि कब आएगा सीट मैट्रिक, बट कल नहीं आया और आज भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक नहीं आया है, ठीक है। वीडियो जब तक मैं बना रहा हूँ तब तक देख सकते हैं आप साइट पर, कोई भी वैसा नोटिस नहीं यहाँ पर आपका डाउनलोड सेक्शन में आएगा, यहाँ पर आपका सीट मैट्रिक्स ऑफ बीसीसी यहाँ अभी तक नहीं आया है। मैं बार बार रिफ्रेश करके भी देख रहा हूँ बार बार कि कब आ जाए कब आ जाए, नहीं आया। तो ऐसा क्यों हुआ, डेट 15 को दिया गया था क्यों नहीं आया? देखिए बीसीसी बोर्ड जो है ना जनरली डेट फेल नहीं करती है, ठीक है। बीसीसी बोर्ड का डेट से रिलेटेड अच्छा मतलब एक कह सकते हो इमेज है कि डेट फेल नहीं करती है, बट कल क्यों डेट फेल हुआ? कल इसलिए डेट फेल हुआ क्योंकि कल जो है आपका दो चीजों का जो है अलॉटमेंट लेटर आने वाला था। अब अलॉटमेंट क्या होता है, आप लोग अभी चॉइस फिलिंग करोगे, काउंसलिंग करोगे, उसके बाद जो है ना आपका अलॉटमेंट आएगा कि आपको कौन से कॉलेजेस में सीट मिली, ठीक है। तो वो दो चीज़ों का कल अलॉटमेंट आया, पहला हमारा डिप्लोमा लेटरल एंट्री, ठीक है, DCECLE, ठीक है, दूसरा BCECE लेटरल एंट्री। बहुत लोग BCECLE वाले को ही बोल रहे थे BCECE का अलॉटमेंट आ गया, ये नहीं, BCECE अलग, LE अलग चीज़ है। वो जो डिप्लोमा करके जब BTEC में जाते हैं ना तो वो होता है BCECE, ठीक है। तो दो चीज़ों का आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कल जारी हुआ है फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट फॉर BCECE और BCECE। अब बोलिए दो एग्जाम का कल उन्होंने अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड किया, तो इसमें वो एंगेज्ड थे, इसमें वो पूरी तरीके से एंगेज्ड थे बीसीसी बोर्ड। ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ा काम होता है अलॉटमेंट लेटर पब्लिश करना, आपको पब्लिश किया गया उसके बाद आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बस इसी वजह से जो है सीट मैट्रिक्स पोस्टपोन्ड हुआ है जहां तक मेरे को पता चला है। मैंने बात भी किया था बीसीसी बोर्ड के अधिकारी से, उन्होंने यही बोला कि बाबू देखो मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, और डिले का जाहिर से बात है दो चीज़ का अलॉटमेंट लेटर आया तो डिले हुआ। ऐसा ही एक बार और पॉलिटेक्निक में भी हुआ था, तो बिल्कुल घबराइए नहीं, ऐसा आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग इससे ये भी सोच रहे हैं कि अगर सीट मैट्रिक्स टाइम पे नहीं आया तो काउंसलिंग कैसे टाइम पे होगा। काउंसलिंग का डेट आप लोग देख सकते हो 17 से स्टार्ट है, 17 से 21 का डेट है, 17 से आपका काउंसलिंग स्टार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि अगर 17 से है आपका काउंसलिंग का तो आया ही नहीं है अभी तक सीट मैट्रिक्स, तो क्या इसमें भी डिले हो जाएगा, इसमें भी एक दो दिन का डिले हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें मन में घूम रही स्टूडेंट का, तो नहीं, ठीक है, सीट मैट्रिक्स में देरी कोई उतना बड़ा मुद्दा नहीं होता है कि आपका जो है काउंसलिंग को पोस्टपोन किया जाए, ठीक है। सीट मैट्रिक्स जब आएगा मैं वीडियो बना दूंगा, सीट मैट्रिक्स आज जो है 110% आपका पब्लिश हो जाएगा साइट पे, आपको रात तक वेट कर लीजिए 6-7 बजे तक, उम्मीद है कि शाम तक ही हो जाए, लेकिन आज जो है आपका सीट मैट्रिक्स 110% साइट पे पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो आज सीट मैट्रिक्स आपका आ जाएगा, आज यानी कि 16 तारीख, अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आ चुका होगा, बाद में देख रहे होंगे सीट मैट्रिक्स आ चुका होगा। अब बात करते हैं काउंसलिंग पोर्टल कब ओपन होगा, तो काउंसलिंग पोर्टल आपका 17 तारीख को। अब मैं
मैं ये भी बता देता हूँ कि कितने बजे होगा, मतलब अप्रोक्सीमेट, नहीं तो बार बार आप कल भी मुझे मैसेज करते रहोगे कब होगा कब होगा। आपको इंतजार करना, लगभग 1 से 2 बजे के बीच में ओपन होता है, ठीक है। दोपहर में आपका हर बार का है, बीसीसीएल हो, डीसीसीएल हो, पॉलिटेक्निक हो, सब में वही हुआ है। 12 से 2, मतलब दोपहर में आपको कह सकते हो 12 से 2 के बीच में ओपन होता है, और उसी टाइम में आपका काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा। उसके मैं वीडियो बना दूंगा कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, एक एक चीज का आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो आप लोग, समझ में आ रहा है आप लोग को। उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर आएगा 24 तारीख को, टाइम अब बिल्कुल नहीं है, फिर 25 से आपका एडमिशन होना चालू हो जाएगा। तो आप लोग क्या क्या करें, आप लोग को मालूम है, आप लोग अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है आपका सारा डॉक्यूमेंट अरेंज करके रख ले, क्योंकि टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, और टाइम नहीं मिला फिर दिक्कत हो जाएगा। एक और क्वेश्चन थे लोगों के मन में कि काउंसलिंग लेट नहीं होगा, सीट मैट्रिक्स लेट, मैं साफ साफ शब्दों में बोलना चाहूंगा, सीट मैट्रिक्स का कोई रिलेशन नहीं है काउंसलिंग डेट से, ठीक है। काउंसलिंग डेट अपना 17 का डेट दिया गया है, तो 17 को चालू होगा, एट एनी हाउ चालू होगा। तो अब टाइम नहीं बचा है, 2 से 3 दिन है, आप इंतजार करें, 2-3 कल ही हो जाएगा। इतना लंबा जब आपने इंतजार किया, मैं भी आप लोग से मतलब लगभग 1 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, और बीसीसी का हमारे इतने सारे ग्रुप है, मतलब अटैचमेंट टाइप का हो गया, फैमिली टाइप का, इतने दिनों से बीसीसी के बंदे से जुड़े हुए हैं, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है आपको सर्व करना। तो आप लोग भी कभी थोड़ा सा हक बनता है, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप लोग को जैसे ही आएगा काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा, मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग को सर्टिफिकेट का लिस्ट जो है यहाँ पे जो जो चाहिए डॉक्यूमेंट, यहाँ पे भी आपका नोटिस में भी दिया हुआ है, आप नोटिस चाहे तो बीसीसी के साइट पे जाके डाउनलोड करके ये नोटिस में जितने भी डॉक्यूमेंट बोला गया है सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लो, जमा कर लो, ठीक है। अब बात आती है कि चॉइस फिलिंग कैसे कैसे होता है, तो चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था जिसमें लगभग 7,000-8,000 व्यू है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, वो बीसी उसका टाइटल है बीसीसी काउंसलिंग प्रोसेस, उसमें मैंने डीसीसी का एलिस का काउंसलिंग से बताया था आपको कि कैसे कैसे होगा, सेम प्रोसेस है, सब चीज सेम है, रजिस्ट्रेशन भी वैसे ही होगा, सब चीज सेम है। आप लोग उसे देख के अभी से ही जो है ना सीख के रख लो कि कैसे आपका चॉइस फिलिंग होने वाला है, कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे आपका चॉइस लॉक होगा, क्योंकि कल जब होगा ना थोड़ा सा सर्वर का भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कल पोर्टल ओपन हुआ, ठीक है, थोड़ा देर मतलब 1-2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा स्मूथली चलेगा, फिर आपका सर्वर में प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। सर्वर में प्रॉब्लम मतलब का अपने आप लॉग आउट हो जाएगा, बार बार ओटीपी मांगेगा, बार बार पासवर्ड चेंज करने का कहेगा। आप भी आप ये सब सुन रहे हो ना, आप जब कल से अपना चॉइस फिलिंग करोगे खुद फील करोगे, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आती है बीसीसी एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और सर्वर थोड़ा वीक है, ठीक है, बिहार का सर्वर थोड़ा सा वीक रहता है। तो ये सब चीज़ को आप इग्नोर करें और अपना अच्छे से अभी तक आपने डिसाइड कर लिया होगा, उम्मीद है कि आपको क्या चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए, नर्सिंग चाहिए, क्या अपना एक प्रेफरेंस बना ले। मैं बार बार बोलता हूँ कि अपना एक प्रेफरेंस बना ले, क्या चाहिए आपको, एग्रीकल्चर चाहिए तो एग्रीकल्चर को फर्स्ट प्रेफरेंस दे, उसका बी फार्मा को दे, फिर अगर आप मेडिकल से हैं तो आपको नर्सिंग चाहिए तो आप नर्सिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। अपना प्रेफरेंस पहले से ही सेट कर ले, क्योंकि जब कोर्स का काउंसलिंग पोर्टल आपका ओपन होगा ना तो उस टाइम आप घबरा जाओगे, अरे यार इतने सारे ऑप्शन है मेरे पास, मैं क्या चूज करूँ। अब ऐसा होता है, ऐसा माइंड सेट, जैसे ह्यूमन है ना, ह्यूमन के सामने जितने ज़्यादा ऑप्शन दोगे ना उतने ज़्यादा वो घबराएगा, तो आपके सामने इतने ऑप्शन आएंगे ना आप घबरा जाओगे कि मैं कौन सा चूज करूँ, कौन सा स्ट्रीम में जाऊँ। तो ये सब से बचने के लिए आप लोग क्या करो, पहले से ही सेलेक्ट कर लो क्या आपका प्रेफरेंस है, उसी के हिसाब से अपना काउंसलिंग करना। और उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी बच्चों का जो वीडियो देख रहे हैं, जो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, सबको अच्छा अच्छा कॉलेज मिले। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है सभी को, सबको रॉक कर दो एकदम, और धन्यवाद। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।